हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आज मैं शेयर कर रही हूँ आप सभी के साथ में घर पे परफेक्ट शामी कबाब कैसे बनाएं उसकी रेसिपी। तो ईद भी आने वाली है और शामी कबाब बनाना भी है इस ईद पे, तो इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको परफेक्ट शामी कबाब बनाना आ जाएगा। बहुत ही आसान सी रेसिपी है, बहुत अलग सी रेसिपी है, देखें आपको अच्छा लगेगा, ट्राई कीजिएगा इस मेथड से भी। तो इस कबाब को बनाने के लिए हमें मटन की बोटियाँ लेनी होती हैं, तो यहाँ पे मैंने 500 ग्राम मटन बोटी ली हुई है और इसके साथ ही मैं इसमें डाल रही हूँ 50 ग्राम चना दाल, और इसके साथ ही दो हमें तेज़पत्ता डालना होगा और साथ में एक छोटी प्याज बारीक बारीक काट कर डालनी है, दो लाल सूखी हुई मिर्च डालनी है तोड़कर, और इसके साथ ही दो बड़े चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डालना है, टेस्ट के हिसाब से हमें नमक डालनी है और सारी चीज़ों को हाथों से एक बार अच्छे से मिला देना है। तो देखिए कितनी कम चीज़ें गई हैं, और बस यही चीज़ें डालकर हमें अच्छे से मिलाने के बाद में इसमें 2 कप पानी डालना है। वैसे प्याज और ये गोश्त भी अपना पानी रिलीज़ करेगा, लेकिन थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे, ज़्यादा नहीं, और प्रेशर कुकर की लिड लगाकर इसे हमें 5 से 6 विसल आने तक प्रेशर कुकर लेना है। इतने टाइम में हमारा यहाँ पे ये जो गोश्त है बहुत अच्छे से गल जाता है, और ये देखें बहुत अच्छे से गलने के बाद में इसमें थोड़ा बहुत मॉइस्चर रह गया है, दाल तो बिल्कुल लई हो गई है गल करके, और ये जो पीसेज है मटन बोटी जो है वो भी बिल्कुल अच्छे से गल चुकी है। तो एक बार हमें इसे अच्छे से भून लेना है फ्लेम हाई कर कर, जिससे ये ड्राई हो जाए, और जब ये ड्राई हो जाएगी तो आप इसे ग्राइंडर जार में या चॉपर में पूरा डाल लीजिएगा मिक्सर को, लेकिन ठंडी हो जाए तभी डालिएगा, और इस तरह से इसे ग्राइंड कर लीजिए। देखिए कितने परफेक्ट तरह से ये पिसा है। बस यहाँ पे इस मिक्सर को मैंने एक बड़े बोल में ट्रांसफ़र कर लिया है, और इसके ऊपर से भी हमें कुछ चीज़ें ऐड करनी है। तो बारीक कटी हुई हरी मिर्च डाल रही हूँ मैं, और एक मुट्ठी बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल रही हूँ, इससे फ्लेवर काफ़ी अच्छा आता है, तो ऊपर से ये चीज़ें ज़रूर डालिएगा। और इसके साथ ही इसके ऊपर हमें 2 बड़े चम्मच घी भी डालना है, घी ही डालिएगा, उससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो मैंने ये पिघला हुआ घी डाल दिया है इसमें, और अब मैं इसमें डाल रही हूँ एक और मसाला जिससे कबाब का टेस्ट बहुत अच्छा हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं ले रही हूँ ये है गर्म मसाला पाउडर, जो कि मेरा होममेड है। इस गरम मसाला को बनाने के लिए बहुत सारे खुशबूदार मसाले यूज़ होते हैं, और उसको ग्राइंड कर बस ये मसाला तैयार करते हैं। मैंने चैनल पे डाली हुई है, आप चाहें तो देख सकते हैं। और बस यहाँ पे सारी चीज़ों को डालने के बाद में हाथों से हमें बहुत अच्छे से मिला देना है। इस तरह से हरी धनिया और मिर्चों का जो फ्लेवर है ना बहुत अच्छा आता है। तो सारी चीज़ें डालने के बाद में हमें बिल्कुल इस तरह से इसका मिक्सर बनाकर तैयार कर लेना है, और ये देखिए ये बिल्कुल रेडी हो गया। अभी हमें इससे कबाब का शेप दे देना है, तो बस हाथों पे थोड़ा थोड़ा मिक्सर लेकर इसे इस तरह से फ्लैट कर देना है, और ये कबाब बन जाता है। और अभी हमें इसे फ्राई करना है, तो फ्राई करने के लिए मैंने एक फ्राइंग पैन में थोड़ा सा तेल लिया है, जिसे हमें इतना तेल लिया मैंने कि जिससे शैलो फ्राई हो सके, और ये सारे पीसेस मैं लगा दे रही हूँ, और बस एक साइड से इसे हाई फ्लेम पर सिकने दे रही हूँ। थोड़े कुछ 3 से 4 मिनट लगेंगे, और ये एक साइड से बिल्कुल अच्छे से सिक जाती है। मेक श्योर करें कि फ्लेम आप धीमी नहीं कीजिएगा, लगातार हमें फ्लेम हाई रखनी है, और हाई फ्लेम पे हमें इन कबाब को सेक लेना है। देखिए एक तरफ से कितना खूबसूरत सा कलर आ चुका है, अब मैं इसकी साइड चेंज कर रही हूँ। यहाँ पे थोड़े थोड़े जो इसके एजेस हैं कॉर्नर साइड से पता चल जाता है कि अच्छा सिक रहा है और उसका कलर बदल रहा है, तो बस उसी टाइम में आपने इसे फ्लिप कर देना है। और इस तरह से भी जैसे हमने इसको उल्टा कर दिया, तो उस तरफ से भी हमें 3 से 4 मिनट लगेगा हाई फ्लेम पर, वैसे सेक लेना है, और बेहतरीन से हमारे सुपर्ब ये शामी कबाब रेडी हो जाते हैं। देखिए मैंने आपको इस कबाब को बनाने में 2-3 बातें शेयर करनी है, वो ये कि आपको दाल जो लेना है बिल्कुल अच्छे मकदार में लेना है, ज़्यादा नहीं होना चाहिए, वरना ये बिल्कुल बिलबिला सा हो जाएगा और तेल में जाते के साथ ही ये टूट जाएगा, तो वो ख़राब हो गया आपका शामी कबाब। तो परफेक्ट शामी कबाब बनाने का बस यही टिप है कि कबाब सॉफ्ट होने चाहिए, तो दाल परफेक्ट मेजरमेंट में हमें डालनी है, और इसे ग्राइंड बहुत अच्छे से करना है, कुक भी करना है, और इसे ड्राई भी कर लेना है अच्छे से। तो बस इस तरह से आपके परफेक्ट रेशेदार शामी कबाब घर पे घर की चीज़ों से बनकर तैयार हो जाएंगे बिना किसी मेहनत के। तो इस तरह से एक बार आप भी इस शामी कबाब को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत कम मेहनत है और उसमें परफेक्ट ये कबाब रेडी होते हैं। तो इस आने वाली ईद पे ये शामी कबाब की रेसिपी आप अपने घरों पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। कैसी लगी आपको मेरी रेसिपी मुझे ज़रूर बताइएगा, ट्राई करते हैं तो अपने फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, और रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को एक बार लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। फिर मिलती हूँ मैं नेक्स्ट टाइम, तब तक अपना ख्याल रखिए, दो में याद रखिएगा। बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।